अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऑनलाइन मॉल में खुश आमदीद कहेंगे। ऑनलाइन मॉल लेकर आया है आज आपके लिए बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट, जो कि आज जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और चलें अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम आते हैं इसके ऊपर। तो फ्रंट पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है, कि यहाँ पर हमें एक वॉच लिखा हुआ देखने को मिलता है और एक हमें वॉच का लोगो मिलता है बनी हुई। बाकी अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ से भी ये नेल है, यहाँ भी कुछ नहीं मिलता और यहाँ पर भी। और अगर इधर की बात करें तो हमें वही एक ही चीज़ देखने को मिलती है हर डब्बे में। इस टाइप की जितनी भी बॉक्सिंग आती है, 36 स्पेस एलुमिनियम केस 44 mm। हालांकि इसके अंदर स्पेस एलुमिनियम केस में है, लेकिन ये स्पेस कलर में नहीं है, ये ब्लू कलर में। लेकिन मंजन एक ही चलना है सब में। बाकी अगर बात करी जाए इस बॉक्स के पीछे हमें क्या देखने को मिलता है, तो बॉक्स के पीछे कुछ इस तरीके की हमें डिटेल मिलती है। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है ऐसा। तो हमने उसका ऊपर से कैप हटाया तो हमें अंदर एक वॉच मिलती है देखने को और हमें कुछ ये एक्सेसरीज मिलती हैं। चलें इसको कुछ हटाते हैं और चेक करवाते हैं। तो पहले तो हमें ये देखने को मिलता है, डिज़ाइन इट फॉर बिल्डिंग एन एक्सेलेंट लाइफ स्टाइल। और इसके बैक पर हमें कुछ नहीं मिलता। अगर इसकी बात करें तो हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें एक अदद स्ट्रैप मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मालूम होता है। और ये ब्लू कलर का, नेवी ब्लू टाइप का स्ट्रैप है और स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत स्मूथ है। और अब अगर हम मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में हमें मॉडल नंबर वॉच का देखने को मिलता है W3। तो हम इसको कुछ चेक करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश एक साइड पर हमें पढ़ने को मिलती है, जैसे कि हमें हर किसी में देखने को मिलता है। ये W3 स्मार्ट वॉच है और यूज़र मैनुअल इसका ये हमें मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप के हमें इसके अंदर फंक्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें कस्टम डायल्स भी आप ऐड कर सकते हैं इस वॉच में, और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम बैक की बात करें तो एक जगह हमने इंग्लिश में देखा, तो अब चाइनीज़ भी हमारे ऊपर फर्जी है ना आप देखना। तो यहाँ हमें QR कोड मिलता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें देखने को, और ये ऐप का यहाँ पर हवाले से लिखा हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ये स्ट्रैप निकला है, बाकी अंदर से खाली मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और अब देखते हैं कि बॉक्स में और क्या चीज़ें। तो बॉक्स में एक अदर चार्जर मिलता है सिंपल। तो चार्जर देखते हैं इसकी। चार्जर कुछ इस तरीके का मिलता है, जो काफ़ी सेफ़ वे पे बनाया गया है सेफ। इसके अंदर वॉच जो है चार्जिंग सीट टाइप का मिलता है, इसके अंदर वॉच फिक्स होकर बैठ जाएगी और उसको फिर आप चार्ज कर सकेंगे इस तरीके से लॉक करके। तो ये काफ़ी सेफ़ रहता है वॉच, अगर गिरे भी। हम लोगों में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग चार्जिंग से निकालते हैं, वॉच गिर जाती है या हमारा हाथ स्लिप होता है तो गिरने का डर होता है। तो इसमें वॉच जब चार्ज होगी तो सेफ रहेगी, तो उस हिसाब से चार्जर काफ़ी अच्छा है। तो अब चलते हैं वॉच की तरफ। तो वॉच में हमें इसकी जो पैकिंग की बात करी जाए, तो हमें यहाँ पर सीरीज 6 लिखा हुआ देखने को मिलता है। और साइड की बात करी जाए तो ये कलर जो है ये नेवी ब्लू है। चलें वॉच को अब हम लोग अनबॉक्स करते हैं, मतलब इसकी रैपिंग उतारते हैं और देखते हैं कि कैसा है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, नहीं तो नहीं दिखा रहा मैं, बंद कर देता हूँ। अरे भाई दिखाऊंगा यार। तो अगर बैक की क्वालिटी की बात की जाए, बैक फिनिशिंग की, तो बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग में वॉच है। और वॉच का साइज़ 44 mm है और बहुत आला क्वालिटी में मालूम हो रही है वॉच ना। और अगर हम साइड की बात करें तो ये भी इसकी बहुत प्यारी और बहुत फिनिश के साथ बनाई गई है ये वॉच। ओ वाओ, अगर हम देखें तो बिल्कुल दोस्तों ये जैसे कि ओरिजिनल हो ना, सेम उसी पैटर्न पे बनाई गई है। और इसका लुक, स्क्रीन इसकी 3D कर्व में बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है। देख रहे हैं अगर मेरा कैमरा सही से फोकस हो जाए, जो कि इस टाइम पे आउट चल रहा है, तो आपको देखने। चलें इसको ऑन करते हैं तो देखेंगे वॉच चार्ज भी है कि नहीं। तो मेरे ख़्याल में वॉच शायद चार्ज नहीं है, तो मैं अभी दूसरी वॉच लाता हूँ जो चार्ज हो। तो चलें हमने वॉच निकाल ली है चार्ज जो थी, लेकिन खैर ऐसे छोटे मोटे बंड होते ही रहते हैं, अब क्या करें। हम इतना एक्साइटेड थे कि हमने कहा चलो सबसे पहले चेक भी नहीं करा कि चार्ज है कि नहीं है, मतलब रियल अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं
वॉच को, और वॉच की जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, आप देखें इसके नीचे से एजेस कितनी क्लियर है। तो चलिए अब वॉच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का लुक आता है। ये वॉच ऑन हो गई है, ओ वाओ। अच्छा दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ, इस वॉच की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर एजेस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, अभी आपको हमेशा कुछ दिखती थी कि जिनकी जो स्क्रीन होती थी ऊपर से या तो बेजल्स ज़्यादा देखने को मिल रही हैं या साइड से बेजल्स को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे रियल एप्पल वॉच हो सेम वैसे ही लुक दिया हुआ है, बिल्कुल इसमें डिट्टो वैसे ही लुक दिया हुआ है इसका। तो चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं बाकी मज़ीद चीज़ें इस हवाले से। तो अगर हम देखें तो पहले इसका विंडो, तो हमें ये कुछ एप्पल का मतलब जो वॉच होता है उसका लुक कुछ ऐसे ही मिलता है देखने को। ये वाईफाई नहीं है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। ये यहाँ पर ब्लूटूथ के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसका इन्होंने लोगो जो है वो वाईफाई का दे दिया है, जिसकी वजह से ये वाईफाई का लुक दे रहा है। और इधर आपको टॉर्च का मिलता है, बेल आइकन का मिलता है और बैटरी के हवाले से। तो मैं ज़रा वॉच की ज़रा कुछ टाइमिंग सेट कर लूँ तो फिर हम इसको और मज़ीद देखते हैं। तो चलें, इसमें हमने टाइमिंग सेट कर ली है। अब मैं इसका दिखाऊं, इसका क्राउन वर्क करता है। और अगर मैं दूसरा वॉलपेपर इसमें मूव करूं तो ये देखें, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वॉच की एजेस बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि ओरिजिनल की एजेस होती हैं सेम उसी पैटर्न पर है। और अगर मैं दूसरा वॉलपेपर चेंज करूँ तो ये कुछ हमें इस तरीके बिल्कुल यूनिक मिलता है, और डिस्को टाइप में हम कह लेंगे ये चीज़ हमें मिल रही है, लेकिन बिल्कुल यूनिक है। और अगर दूसरा वॉलपेपर चेंज करूं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिलता है देखने को। वॉच की क्वालिटी बहुत बहुत बेहतरीन है अभी तक। इसमें हमें सेंटा क्लॉस देखने को मिलता है, जैसे कि अभी दिसंबर भी गुजरा है तो उस हवाले से इन्होंने ऐड करा हुआ है। इसमें हम कस्टम डायल्स अपनी मर्ज़ी के जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, कस्टम डायल। इसकी डायल मार्केट में इसके अपने डायल्स मौजूद हैं, कुछ हमें यूनिकॉर्न, एक भवो भी हमें मिलता है इसमें वॉलपेपर में देखने को, जो कि बच्चों को डराने के लिए बहुत अच्छा है। और ये हमें एप्पल की ओरिजिनल वॉच का हमें एक ये भी देखने को मिलता है वॉलपेपर। और बाकी तो हम जो चाहें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर ले सकते हैं। बाकी इधर हमें ये जो है ये मेन्यू स्टाइल हमने कैसा रखना है ये देखने को मिलता है। तो बाकी हमें इसमें नीचे टॉर्च का ऑप्शन मिलता है। बाकी ये 12 आपने टाइम फॉर्मेट 12 पे रखना है या 24 आवर पे रखना है, ये आपने को मिलता है यहाँ पर देखने को। इसके अलावा बैल का हमें मिलता है बटन कि आपने ये वाइब्रेशन पे साइलेंट पे रखना है या किस पर ये। इसके अलावा बैटरी सेविंग का बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि ओरिजिनल वॉचेस में ही आता है। तो ये इसमें आप देखें, और एक्चुअल में ये वर्क भी करता है तो उस हवाले से दिया हुआ है। बाकी ये ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी के हवाले से दिया हुआ है। अब ये हम इसको हटाते हैं और अगर नीचे से हम इसको वो करें स्वैप, तो हमें कुछ यहाँ पर तमाम नोटिफिकेशन जो आपके पास मैसेज आएंगे, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वो मैसेज यहाँ पर मिलेंगे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी जिस भी हवाले से होगा वो आपको यहाँ पर ही मिलेगा देखने को इस हवाले से। तो चलिए और मज़ीद देखते हैं इसके हम। तो अगर बात करी जाए इसके मेन्यू की, तो इसका मेन्यू इसमें 3-9 ऐप मेन्यू इसका कुछ इस तरीके से, और जो कि बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। देखें ये बहुत फास्ट है इसका क्राउन, ये आप देखें बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। तो अगर हम 9 ऐप के अलावा हम देखेंगे कौन सा हमें स्टाइल मिलता है देखने को, तो इसके अलावा हमें कुछ ये एप्पल का जैसे जूम, ये अभी जूम आउट कर रहा हूँ मैं, देखें ये कितना, अभी मेरा कैमरा ही आउट हो जाता है, ये देखें कितना छोटा हो चुका है ये। और इसके बारे में मज़ीद अगर मैं इसको अब जूम इन करके देखते हैं, और आइकन इसके बहुत रियल हैं, फुल मतलब मेजरिंग पे आ गया, हार्ट रेट मेजरिंग। तो चलें बाकी और इसके मज़ीद ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो बाकी अगर हम इसके मज़ीद और चलें, मैं इसके ऑप्शन से तो आपको बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसमें एक और मैन हमें लिस्ट में देखने को मिलता है, मेन्यू एक और तरीके से देखने को मिलता है।
तो अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से आएगा? आई थिंक इसको होल्ड करने के रखने से आएगा। पे पावर सेविंग पे चला गया। चलें पहले हम 9 ऐप पे आते हैं, फिर मैं आपको इनके तमाम मेन्यू के हवाले से चीज़ें बताता चलूँ। तो अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमें किसका मिलता है, तो यहाँ पर हमें स्मार्ट वॉच का मॉडल पढ़ने को मिलता है कि मॉडल किस नाम से, और सारी चीज़ें यहाँ पे कि कनेक्टेड है कि नहीं है। इसके अलावा हमें अगर सेकंड ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ के कनेक्शन के हवाले से मिलता है, और यहाँ पे हमें मैसेज के नोटिफायर, ये आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी इसमें सिंक्रोनाइज होकर, और यहाँ पर आपकी डायलर है कि जो कॉल वॉल आपने डायल करनी हो यहाँ से कॉल डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से, इसके लिए भी ये डिवाइस कनेक्ट नहीं है, कॉल लॉक्स हैं इसकी, और इसके अलावा ये मैसेज के हवाले से यहाँ पर आप पढ़ सकेंगे इजीली। ये चीज़ जो है यहाँ आप इजीली मैसेजेस जो आएंगे वो उनको आप पढ़ रीड कर सकेंगे। यहाँ आपको इसका वॉच की ऐप का QR मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ से आप अपना हार्ट रेट के हवाले से मेजरिंग कर सकते हैं। और इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ हमें स्पोर्ट्स के फंक्शंस देखने को मिलते हैं, आउटडोर इंडोर रनिंग और आउटडोर रनिंग के हवाले से, तो ये सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हमें कुछ फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने का, इसके अलावा यहाँ से आपको ब्लड प्रेशर के हवाले से, और यहाँ ऑक्सीजन के हवाले से, और यहाँ हार्ट रेट मेजरिंग, यहाँ आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करने का मिलता है ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लॉक टाइप, क्लॉक डायल किस हिसाब से आपने सेट करना है वो मिलता है आपको ऑप्शन, और यहाँ से आप लैंग्वेज अपनी सेट करने के हवाले से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये पावर सेविंग बैटरी की जो रखनी है अपने हिसाब से, उस हिसाब से वो रखने का ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको म्यूज़िक प्लेयर, अभी म्यूज़िक इसमें मतलब मोबाइल कनेक्ट नहीं है तो इसमें हमें म्यूज़िक प्लेयर भी मिलता है। और इधर आपको स्टेप्स, कैलोरीज और हार्ट रेट ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको स्लीप टाइम के हवाले से मिलता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। स्पॉट्स के हवाले से रिकॉर्ड मिलेगा, यहाँ आपको वेदर के हवाले से चेक करने को मिलेगा कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, और यहाँ पे भी कुछ रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये वॉच मैंने रीसेट कर दी चेक करने के लिए, तो ये वॉच ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हुई है और रीसेट हो चुकी है, तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें फ्लिप टू जेस्चर वेकअप सिस्टम और ये सारी चीज़ें, राइज टू अवेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें सेटिंग्स में डिस्प्ले ब्राइटनेस के हवाले से मिलता है ये ऑप्शन देखने को। यहाँ पर हमें कैमरे से अगर हम कोई कनेक्ट है वॉच तो यहाँ पर आप पिक्चर ले सकते हैं ईजिली, ये चीज़ चेक करने को। इसके अलावा यहाँ हमें कैलेंडर मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी यूनिक इन्होंने डिज़ाइन में दिया, इस टाइप में कोई देता नहीं है, मतलब अभी तक वॉचेस में नहीं देखा हमने तो। और बाकी यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलता है, कैलकुलेटर का लुक इन्होंने पूरा आईफोन डिट्टो जैसा आईफोन में कैलकुलेटर होता है वैसे ही दिया। तो और इसके अलावा ये हमें यहाँ पर स्टॉप वॉच मिलता है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल वॉच से कनेक्ट है तो आप सीरी यूज़ कर रहे हैं तो सीरी से इसको कॉन्टैक्ट में ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर गूगल यूज़ कर रहे हैं तो गूगल वॉइस कंट्रोल, तो ये ऑप्शन यहाँ मिलता है हमें देखने को। और इसके अलावा यहाँ पर हमें स्मार्ट स्टाइल और लिस्ट, तो अभी हम लिस्ट पर हैं मौजूद, और यहाँ हमें वॉल्यूम के हवाले से कुछ रिंगटोन्स मिलेंगी, वॉच की साउंड एकदम क्लियर है। काफ़ी तेज़ है और काफ़ी क्लियर वॉच की साउंड है। तो अभी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टोन और अलर्ट टोन के हवाले से देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ
तो चले अब स्मार्ट स्टाइल को हम चेक करते हैं। स्मार्ट स्टाइल मैंने दिखा दिए, टॉर्च यहाँ हमें टॉर्च का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, टॉर्च कुछ इस तरीके की है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कस्टम डायल जो आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। वॉच बहुत ही बेहतरीन किस्म की वॉच है ये अभी तक के हिसाब से, और ये जो है आपका ये बिल्कुल स्मूथली मूव करता है, और बाकी आप जैसा जो ऑप्शन इसमें रखना चाहें। और इसके अलावा इसमें मैं आपको कलर्स दिखाते चलूँ, इसमें हमारे पास इसमें कुछ चार कलर्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखाऊँ। तो इसमें मैं बात कर रहा था आपको, ये चार कलर इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम सिल्वर की बात किया जाए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में वॉच की जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में ये इसका सिल्वर कलर है। और अगर इसके गोल्ड कलर की बात करी जाए, गोल्ड कलर भी बहुत प्यारा है इसका, आउटस्टैंडिंग है। और अगर इसमें ब्लैक की बात करी जाए तो ब्लैक भी इसका किसी से पीछे नहीं है, ब्लैक भी बहुत ज़बरदस्त का कलर है। जो लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, आपसे दरख्वास्त है। और ये इसका ब्लू कलर है जो कि नेवी ब्लू है, और ये भी बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी में है सारे पीसेस के। और ये सीरीज 6 के पैटर्न पे बनाई हुई वॉचेस हैं, और ये अभी तक इसकी जितनी फुल स्क्रीन्स है ना, कहीं से कोई इनकी एजेस नहीं है। जैसे कि अभी इससे पहले हमने जितनी भी वॉचेस देखी तो जैसे कि हमें देखने को मिलती हैं, इसमें वो चीज़ नहीं मिलता। और वॉच की क्वालिटी और फिनिशिंग ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी और बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग में, बिल्कुल एप्पल वॉच जैसी सेम पैटर्न पे बनाई हुई है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको प्रोडक्ट के हवाले से समझने में बहुत मदद मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ऑर्डर करने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप उस पर हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं। और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।